हेलो फ्रेंड्स, नंदी कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लिट्टी बनाने वाले बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से। तो एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो सारे तरीके भूल जाएंगे। तो ठंडी का मौसम है तो लिट्टी बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो हम बहुत सारे लोगों के लिए बना लेते हैं, हम ज़्यादा आटा लिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें मैदा दे देंगे। तो हमने लगभग 1 किलो आटा लिया, उसमें हम देंगे 2 से 3 चम्मच तक मैदा देंगे ताकि लिट्टी हमारा खस्ता बने और स्वादिष्ट भी बने। तो चलिए इसे हम मैदा दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसे मैदा दे देंगे। मैदा देना तो सब कोई जानता है। तो चलिए हम आटा लगा लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने आटे को लगा लिया हुआ है। इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चने की सत्तू की हम लिट्टी बनाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे हमने हरी मिर्च ली हुई है और लहसुन बहुत सारे लिया हुआ है और हमने मिर्ची का अचार लिया हुआ है, मोटी वाली मिर्ची का, और अदरक का 2 छोटी छोटी टुकड़ा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और लहसुन ली हुई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हरी धनिया की पत्ती ली हुई है, अजवाइन लिया हुआ है, और हम थोड़ी सी लिए हुए हैं मंगरेल काली वाली, और हम लिए हुए हैं 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, लहसुन और मिर्ची और अदरक को हम दरदरा मिक्सर में चला लेंगे। 1 से 2 बार हमें रुक रुक के चलाना है, दरदरा ही करना है, इसे पीसना नहीं है। तो चलिए हम आपको पीस के दिखा देते हैं दरदरा करके किस तरीके से करना है। बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी बनती है इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स, तो सारे तरीके भूल जाएंगे, यकीन मानिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने पीस लिया। चलिए हम सतुई को बना लेते हैं। तो प्याज को और मंगरेल को मिक्स कर देते हैं, अजवाइन को हम क्रश कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, आपको जितना चाहिए आप नमक डाल सकते हैं, और हम जो हमने दरदरा पीस के रखा था मिर्ची लहसुन और अदरक को भी डाल देंगे। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से हमें वाटी में से निकाल देने, और जो हमने मिर्ची रखी थी वो अचार वाली, उसको हम कट कर देंगे चाकू की मदद से। और हम इसमें डालेंगे एक आम का अचार। अगर आप आम का अचार नहीं डालना चाहते हैं तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। तो मेरे पास नींबू अभी नहीं था तो हमने आम का अचार डाल दिया। तो आप देख सकते हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे राई का तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से मिक्स करने से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन हाथ से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए सत्तू में हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इसे मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स, और थोड़े हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब राई का तेल, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब देख सकते हैं, थोड़ी सी हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही, और इसे दोनों हाथ की मदद से अच्छे से रगड़ रगड़ के इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि सत्तू बहुत ही स्वादिष्ट बने। और इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मिक्स कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं, तो चलिए आटा हमारा रेस्ट कर लिया है। तो चलिए हम अब देख सकते हैं, तो चलिए इसका लोई बनाते हैं। तो हम इसका लोई बना लेंगे, हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए, हमने लोई बना ली हुई है। तो चलिए अब हम इसे सत्तू को इसमें भरते हैं। तो आटे में हम इसे थोड़ा लगा लेंगे आटा उसमें, उसके बाद इसका हम कुछ इस तरीके से गहराई का शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें शेप देना है, और इसमें हम सत्तू को भरेंगे, और इस तरीके से इसका मुंह बंद करेंगे दबाते हुए उंगली से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका मुंह बंद करेंगे, अच्छे से मुंह बंद करेंगे ताकि तलते समय इसका मुंह खुले नहीं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने मुंह को बंद कर दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो दूसरी भी हम आपको भर के दिखा देते हैं इसमें। तो चलिए इसको भी कुछ इस तरीके से गहराई का शेप दे देते हैं,
और इसमें हम भर देते हैं सतुई को और इसे दबा दबा के अच्छे से इसका मुंह बंद कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम इसका मुंह बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा आटा निकले उसे आप निकाल दीजिए। और देखिए कितनी बढ़िया भर गई, हमने सारे लिट्टी को भर के तैयार कर दिया हुआ है। चलिए तेल हमारी गर्म हो गई है, हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स। तो चलिए हम एक एक करके लिट्टी को डाल देते हैं तेल में। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हमने डाल दिया हुआ है, तो अब लिट्टी को हम एक एक करके पलट लेंगे क्योंकि हमें अच्छे से इसे तलना है दोनों साइड ताकि अच्छे से ये पक सके। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लिट्टी दिख रही है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरीके से बनाओ तो। लिट्टी तो सब लोग बनाते हैं पर तरीका अलग अलग होता है। तो हम देख सकते हैं फिर से हम इसे पलट लेंगे, तो फिर से इसे हम पलट लेते हैं, पलट पलट के अच्छे से फ्राई करेंगे लिट्टी को। तो देख सकते हैं, तो इसी तरह हम पलट पलट के फ्राई करते रहेंगे इसे कि ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए लिट्टी। तो अब हमारी लिट्टी तैयार हो ही चुकी है, तो हम इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए हम आपको दूसरी बार डाल के दिखा देते हैं। तो फिर से हमने डाल दिया लिट्टी को, इसे पलट लेते हैं, कुछ उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे उलट पुलट कर हम अच्छे से तल लेंगे, कितनी बढ़िया दिख रही है आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया दिख रही है, खाने में उससे भी बढ़िया लगेगी। इसे आप सब्जी के साथ या चटनी के साथ अच्छे से खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी लिट्टी तैयार हो चुकी है, इसे हम अब निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसे भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी लिट्टी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और आपको हम दिखा देते हैं इसे तोड़ के कि लिट्टी कैसी बनी है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया लिट्टी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि लिट्टी की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।